किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो कोर्स आप ज्वाइन करने वाले हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बीबीए के कंप्लीट सिलेबस की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। बीबीए के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप क्या क्या स्टडी करेंगे, सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स को आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप बीबीए में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं तो दोनों ही केसेस में आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है, तो इसको पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन आता है या फिर बीबीए कॉलेजेस को लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम बीबीए कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसको कि आप 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। फीस लगभग 3 लाख से लेके 9 लाख तक हो सकती है कंप्लीट कोर्स की, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। एडमिशन आपको एंट्रेंस एज वेल एज मेरिट बेसिस पे यानी कि डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। बीबीए करके आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस की फील्ड में आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं। बीबीए कोर्स में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। आप फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स, फॉरेन ट्रेड, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशंस भी बीबीए कोर्स में चूज कर सकते हैं। देखिए, बीबीए कोर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 साल के कोर्स में आपको प्राइमरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉज, MIS, स्ट्रेटजी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिटेल मैनेजमेंट, PR मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीबीए का कोर्स 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 3 इयर्स 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होते हैं और 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है। तो बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके साथ साथ बिजनेस लॉ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपको एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। 4 सेमेस्टर में आपको कंज्यूमर बिहेवियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में जब आप पहुंच जाते हैं तो बीबीए में आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप फाइनेंस, मार्केटिंग, HR या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन में से एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। देखिए, स्पेशलाइजेशन को चूज करना बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। तो आप बीबीए में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो कि आप थर्ड ईयर में आसानी से चूज कर सकते हैं। तो अगर हम 5th सेमेस्टर की बात करें यानी कि थर्ड ईयर की बात करें तो आपको अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल बिजनेस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड इलेक्टिव पेपर यानी कि जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं
उस स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। सिक्स सेमेस्टर में आपको स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, उसके साथ साथ बिजनेस पॉलिसी, इलेक्टिव पेपर, जो आपने जो भी फाइनेंस या जो भी मार्केटिंग या जो भी स्पेशलाइजेशन चूज किया होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसका कुछ सिलेबस होता है जो कि इसमें इंक्लूड हो जाता है, ऑपरेशन रिसर्च, उसके बाद साथ साथ फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि बीबीए का कोर्स, बीबीए का सिलेबस आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग मिले, बट फंडामेंटली इन्हीं सभी टॉपिक्स, इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बीबीए कोर्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपके मन में बीबीए सिलेबस को लेके या फिर बीबीए के स्पेशलाइजेशंस, बीबीए के टॉप कॉलेजेस को लेके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।